हम नंबर टू से स्टार्ट करते हैं हम सबको पता है कि नंबर टू इज़ एन इवन नंबर टू इज़ एन इवन नंबर तो कोई नंबर टू से डिवाइड होगा कि नहीं उसके लिए हमें क्या करना है वो चेक करने के लिए अगर क्या करना पड़ेगा अगर वो नंबर आपका खुद इवन नंबर है देन इट इट विल बी डिविजिबल बाय टू सपोज़ मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है फोर्टीन फोर्टीन इवन नंबर है तो ये टू से डिवाइड हो जाएगा इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं टू फोर सिक्स एट ठीक है टेन ट्वेल्व ये सारे ईवन नंबर्स हैं तो ये टू से डिवाइड हो जाएंगे अब एक चीज़ और अगर किसी नंबर में सपोज ये तो 14 था तो हमें छोटा नंबर था हमें फटाफट पता चल गया कि ये टू से डिवाइड हो जाएगा लेकिन अगर कोई सपोज बड़ा नंबर है वन सेवन एट नाइन फोर तो अब इसको कैसे देखेंगे चेक करेंगे कि ये टू से डिवाइड होगा कि नहीं तो अगर नंबर के लास्ट में ई नंबर है ये पूरा नंबर है इसका लास्ट डिजिट क्या है मतलब वंस प्लेस पे अगर ई नंबर है तो वो टू से डिवाइड हो जाएगा इसमें लास्ट डिजिट क्या है फोर फोर इज़ एन ई नंबर

उसके बाद है नेक्स्ट थ्री एंड नाइन एंड फाइव और टेन इन नंबर्स की डिविजिबिलिटी सिमिलर है कैसे वो मैं आपके आगे बताऊंगी पहले हम थ्री को चेक कर लेते हैं नाउ हाउ टू चेक वेदर ए नंबर इज डिविजिबल बाई थ्री और नॉट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए गिवेन नंबर सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ़ द गिवेन नंबर इफ इट इज़ डिविजिबल बाई थ्री देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई थ्री फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है कोई नंबर वन सेवनटी थ्री ठीक है अब वन सेवनटी थ्री की डिविजिबलिटी हमें चेक करनी है कि वो थ्री से डिवाइड होता है कि नहीं तो कैसे चेक करेंगे थ्री से डिवाइड करने के लिए चेक करने के लिए हम क्या करेंगे जो भी नंबर है उनके डिजिट्स को एड कर देंगे उनका सम निकालेंगे कैसे सबसे पहले डिजिट क्या है वन प्लस सेवन प्लस थ्री कितना आएगा आंसर सेवन प्लस थ्री टेन टेन प्लस वन इलेवन ठीक है ना इज लेवन डिविजिबल बाई थ्री नो लेवन इज नॉट डिविजिबल बाई थ्री इसलिए ये पूरा नंबर भी थ्री से डिवाइड नहीं होगा ओके लेट अस टेक कहना एग्जांपल एग्जाम्पल सपोज आई टेक कहना था एग्जाम्पल ऑफ फोर थर्टी वन ना इज इट डिविजिबल बाई थ्री लेट्स फाइंड इट आउट वी विल एड ऑल द डिजिट्स इन टेक आउट दिट सम फोर प्लस थ्री प्लस वन इट्स इक्वल टू फोर प्लस थ्री सेवन सेवन प्लस वन इज एट इज एट डिविजिबल बाई थ्री नो बिकॉज एट इज एट इन नंबर एट जो है हमारा इवन नंबर है वो थ्री से डिवाइड नहीं होता तो ये फोर थर्टी वन भी थ्री से डिवाइड नहीं होगा ओके नाओ आई विल एक्सप्लेन यू विथ वन मोर एग्जाम्पल एग्जाम्पल सेवन थर्टी टू सेवन थर्टी टू सेवेन प्लस थ्री प्लस टू इक्वल्स टू सेवन प्लस थ्री टेन टेन प्लस टू ट्वेल्व नाउ इज ट्वेल्व डिवाइडेड बाई थ्री यस ट्वेल्व इज डिवाइडेड बाई थ्री सो दिस नंबर विल ऑल्सो विल बी डिविजिबल बाई थ्री इज इट क्लियर अब मैंने यहाँ कहा था कि कुछ सिमिलरिटीज़ हैं फोर एट में थ्री और नाइन में तो अब थ्री में जैसे हमने सम ऑफ द डिजिट्स निकाला था और वो थ्री से डिवाइड करके देखा अगर वो थ्री से डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा यही किया था सेम केस है नाइन के साथ भी अगर नेक्स्ट नंबर टेक नेक्स्ट नंबर नाइन नाइन केस में भी यही करना है अगर पूरा नंबर का एड सम निकालेंगे उस नंबर को और वो अगर नाइन से डिविजिबल है तो द होल नंबर विल भी डिविजिबल बाई नाइन लेट्स टेक वन एग्जाम्पल सपोज वी टेक एन एग्जाम्पल वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवेंटी टू विल फाइंड द सम वन प्लस एट प्लस सेवन प्लस टू इक्वल्स टू वन प्लस एट नाइन नाइन प्लस नाइन एटीन इज एटीन डिविजिबल बाय नाइन यस नाइन टू ज एटीन एटीन इज डिविजिबल बाय नाइन सो अवर नंबर वन थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी टू विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय नाइन ओके तो सेम था थ्री और नाइन का मैंने कहा था कि सम ऑफ द डिजिट्स निकालना है और उसको चेक कर लेना है ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अब उसके बाद क्या आएगा हमारा नेक्स्ट नंबर है फोर नाउ हाउ टू चेक इट्स डिविजिबिलिटी लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल ये हमने एग्ज़ाम्पल लिया फोर की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो हमारे लास्ट के दो डिजिट्स हैं हम उनको लेते हैं अगर लास्ट के जो टू डिजिट्स हैं वो फोर से डिविजिबल हैं तो वो फोर से डिवाइड होते हैं तो वो पूरे नंबर को डिवाइड कर देगा ठीक है जैसे लास्ट में यहाँ पे क्या है सिक्सटीन सिक्सटीन इज़ डिविजिबल बाय फोर फोर की टेबल में सिक्सटीन आता है फोर फोर सिक्सटीन ठीक है तो जब सिक्सटीन डिविजिबल है तो हमारा सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटीन भी डिविजिबल होगा ओके एक एग्जांपल और लेटेस्ट एक बनवा एग्जाम्पल एग्जांपल 2656 अब इस पूरे नंबर को चेक करना है अगर कि फोर से डिवाइड होता है कि नहीं तो दो ऑप्शन हैं या तो हम पूरे इस नंबर को डिवाइड करके देखें यहाँ पे या फिर क्या है छोटा है वो है कि हम लास्ट के टू डिजिट्स ले लें और उसको डिवाइड करके देख लें कि फ़ोर से डिवाइड होता है कि नहीं लास्ट में कौन से दो डिजिट्स आए हैं लास्ट में है फिफ्टी सिक्स हम फिफ्टी सिक्स को डिवाइड करके देख लेते हैं फोर वन सा फोर माइनस फाइव में फोर सिक्सटीन फोर फोर सा सिक्सटीन तो ये बहुत ही ईजी था ये पूरे नंबर को डिवाइड करने से तो अच्छा ये था बहुत जल्दी हो गया है ना पता चल गया तो अब जब फिफ्टी सिक्स डिवाइड हो गया है तो इसका मतलब ये हमारा पूरा नंबर भी फोर से डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि फोर की सिमिलैरिटी किसके साथ है फ़ोर की सिमिलैरिटी है एट के साथ अब एट के क्या है एक बार देख लेते हैं एट का एट का कैसे चेक करेंगे फोर में हम लास्ट के टू डिजिट्स लेते थे एट के लिए हम लास्ट के थ्री डिजिट्स लेंगे सपोज मैंने कोई नंबर लिया है वन वन फाइव सिक्स ठीक है तो एट की डिविज़िबिलिटी चेक करने के लिए हम लास्ट के थ्री डिजिट्स लेंगे और इनको डिवाइड करके देखेंगे अगर ये लास्ट के थ्री डिजिट्स एट से डिविजिबल हैं तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा एट से वरना ये डिवाइड नहीं होगा फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड टू ठीक है ये मैंने कोई नंबर लिया उसका लास्ट के थ्री डेट में सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड टू लास्ट के थ्री डिजिट्स कौन से हैं थ्री हंड्रेड टू अब हम थ्री हंड्रेड टू को देख लेंगे कि वो एट से डिविजिबल है कि नहीं है यहाँ पे साइड में करके देखते हैं एट से एट फोर थर्टी टू फोर में से टू टू ट्वेंटी वन अब कितना आएगा क्या ट्वेंटी टू डिविजिबल है एट से नहीं एट टू 16, एट थ्री 24. ट्वेंटी फोर टू नहीं ये तो डिवाइड नहीं हो रहा रिमाइंडर आ गया मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है रिमाइंडर आ गया तो इसका मतलब ये जो हमारा नंबर था ये भी एट से डिविजिबल नहीं होगा टेक वन मोर एग्जांपल। नेक्स्ट नंबर लेते हैं फाइव फाइव को चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको बस लास्ट में अगर आपके नंबर के ज़ीरो या फाइव है तो वो नंबर कम्प्लीटली फाइव से डिवाइड हो जाएगा दैट इज़ श्योर सपोज़ फॉर एग्जांपल हंड्रेड हंड्रेड फाइव से डिवाइड होता है कि नहीं चेक कर दीजिए फाइव लास्ट में ज़ीरो है फाइव टू जो टेन ज़ीरो ज़ीरो ठीक है तो ये डिवाइड हो गया पूरा कोई और नंबर सपोज फॉर एग्जांपल फोर्टी फाइव फाइव ऑफ फोर्टी फाइव तो लास्ट में अगर किसी नंबर के फाइव या ज़ीरो है तो वो नंबर फाइव से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा टेन टेन का तो और भी है लास्ट में जिस नंबर के ज़ीरो होगा तो वो नंबर टेन से डिवाइड हो जाएगा ओके okay? अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जो आते हैं वो आते हैं दो नंबर्स वो कौन कौन से है? वो दो नंबर्स हैं सिक्स एंड सेवन सिक्स का भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है चलिए देखते हैं क्या है ओके okay. सिक्स की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें इसके लिए दो नंबर्स से चेक करना पड़ता है फर्स्ट इज सेकेंड एंड नंबर इज़ थ्री अगर टू और थ्री से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स वो सिक्स से भी डिवाइड हो जाएगा लेकिन द कंडीशन इज इट शुड बी डिविजल बोथ बाई टू एंड बाई थ्री फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एग्जाम्पल हो फोर्टी एट फोर्टी एट इज डिविजिबल बाई टू क्यों क्योंकि एट इवन नंबर है लास्ट में एट जो है ईवन नंबर है तो टू से डिविजिबल हो जाएगा अब थ्री से चेक करते हैं कि थ्री से डिविजिबल है कि नहीं थ्री वन से थ्री थ्री सिक्स एटीन ये थ्री से भी डिवाइड हो गया और टू से भी डिवाइड हो जाता है इसका मतलब फोर्टी एट विल बी डिविजिबल बाय सिक्स आल्सो तो सिक्स की डिविजिबिलिटी में बस यही है कि आपको टू और थ्री दोनों से चेक करना पड़ता है अगर वो टू और थ्री दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर सिक्स से भी डिवाइड हो जाएगा नाउ कम्स द Our last number, that is seven. अब लास्ट नंबर देट इज़ नंबर सेवन अब सेवन की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं फॉर दिस सपोज आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वन हंड्रेड एंड थर्टी फोर ये हमारा कोई नंबर है हमें इसको चेक करना है कि ये सेवन से डिवाइड होगा कि नहीं तो हमें क्या करना है जो लास्ट का डिजिट होता है यू विल डबल दैट डिजिट उसका डबल फोर का डबल क्या हुआ एट एंड वी विल सब्ट्रैक दिस एट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर वॉट इज़ द रिमेनिंग नंबर दैट इज़ थर्टीन वन हंड्रेड थर्टी फोर था उसमें से हमने फोर को डबल कर लिया और उसको एक साइड में कर दिया अब हम उसको नहीं लेंगे ठीक है फोर को हमने अलग कर दिया फोर को अलग करने के बाद क्या बचा हमारे पास थर्टीन हमें थर्टीन में से एट को सब्ट्रैक करना है तो कितना बचेगा थर्टीन में से एट को सब्ट्रैक्ट करके फाइव डिजिबल बाई सेवन नो इट कांट बी है ना तो देट मीन्स की अवर नंबर वन हंड्रेड थर्टी फोर विल ऑल्सो भी नॉट डिविजिबल बाई सेवन ठीक है एक और एग्जाम्पल लेते हैं सपोज आई टी आई के नंबर वन हंड्रेड सेवेंटी नाइन द सेम नॉट वन हंड्रेड सेवेंटी नाइन वट वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड नाइन्टी टू अब सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे वट इज़ द लास्ट नंबर द लास्ट नंबर इज टू एंड वी विल डबल इट क्या हो जाएगा फोर एंड वी विल सब्ट्रैक्ट दिस वो फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर दैट इज वन हंड्रेड सेवनटी नाइन वॉट विल आंसर वी विल गेट वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव जब फोर को माइनस करेंगे वन सेवेंटी नाइन से हमें कितना आएगा 175. अब 175 को हमें देखना है कि ये सेवन से डिविजिबल है कि नहीं है चलिए मैं यही करके दिखा देती हूँ आपको क्या आया था 175. 175. सेवेंटी फाइव वन सॉरी सेवन टू से फोर्टीन कितना आया सेवन वन फोर फाइव सेवन थर्टी फाइव डिविजिबल है रिमाइंडर आ गया ज़ीरो है ना इट मीन्स हमारा जो नंबर था वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड नाइन्टी टू वो भी डिविजिबल होगा सेवन से ओके सर आई होप यू लाइक डिट और इसको घर पे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा और आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं टिल देन स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग बाय बाय